Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. Hello students, welcome back to the video. Students, previous video mein hum game theory ke graphic method ko discuss kar rahe the, jisme humne graphic method ke first part 2 into n game ko sikha tha aur uske numerical ki practice kari thi. Aaj ke video mein hum iske second part jisme hum m into 2 game ko seekhne wale hain, जो m rows and 2 column को show करता है. आइए देखते हैं क्या है further question. यहाँ पर question हमें given है कि consider the payoff matrix of player A and solve it optimally using the graphical method. तो यहाँ पर हमें एक payoff matrix given है, player A के हिसाब से हमें इसको solve करना है optimally और इसको optimal solution निकालना है graphical method की मदद से. तो देखिए, जब भी हमें कोई player payoff matrix given होता है तो सबसे पहले हमें उसमें saddle point find out करना होता है. तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन m into 2 गेम का है, तो यहाँ पर जो रोज हैं वो m है, मतलब यहाँ पर 4 रोज हमें गिवन है और जो कॉलम है यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल रही है. तो सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम सर्च करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं रो मिनिमम फाइंड आउट करता हूँ. तो इस रो का जो मिनिमम वैल्यू है वो -7 है, वैसे इस रो की मिनिमम वैल्यू 1 है, जैसे इस रो की मिनिमम वैल्यू 1 है, लास्ट रो की मिनिमम वैल्यू -1 है. अब इन मिनिमम में से मैं मैक्सिमम वैल्यू सर्च करूँगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 है, ये 1 और ये 1, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा मैक्सिमिन, मैक्सिमिन. तो मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू मैंने सर्च करी, उसी तरीके से मैं कॉलम में से कॉलम मैक्सिमम सर्च करूंगा. तो यहाँ पर इस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरी 6 है और वैसे इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3 है. अब इन मैक्सिमम वैल्यू में से मैं मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँगा और उसका नाम मेरा हो जाएगा मिनी मैक्स. अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैक्सिमिन वैल्यू है वो मिनीमैक्स के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिल पाएगा. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे कि मैक्सिमिन वैल्यू जो है इज़ नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स. ओके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमिन वैल्यू आई थी 1 आई थी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3. ओके, तो अब यहाँ पर हमें सैडल पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो अपना पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको फिर से नोट करेंगे और उसमें अपना हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स को नोट कर लिया है, अब इसमें मैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाऊंगा. अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये जो गेम है वो m into 2 का है, तो यहाँ पर हमें जो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी वो रो वाइज लगानी पड़ेगी, ओनली रो डोमिनेंस हम यहाँ पर लगाएंगे. जिस तरीके से पिछले वीडियो में जब हम 2 into n गेम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कॉलम वाइज डोमिनेंस लगाया था, m into 2 गेम में हमें रो वाइज डोमिनेंस लगाना होता है. तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें जो रोज हैं हर रो का हमें एडिशन करना पड़ेगा. तो 6 प्लस -7 इज -1, वैसे 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 5 प्लस -1 इज 4. ओके, तो रो टोटल करने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें मिनिमम वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सा हमारा जो है वो मिनिमम है. जैसे कि ये जो हमारा मिनिमम है, तो ये पर्टिकुलर सेल हमारे पास आ गया है. अब इस पर्टिकुलर रो को हम देखेंगे कि ये बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रोज की वैल्यू है उनसे ये लेसर है या इक्वल है. अगर है तो ये जो रो होगा मेरा डिलीट हो जाएगा. आइए मैं कंपेयर करता हूँ इसको सेकंड रो से, तो 6 जो है वो ग्रेटर है तो डोमिनेंस नहीं हो पा रहा. ओके, नेक्स्ट रो से कंपेयर करूँगा तो 6 जो है वो 3 से भी क्या है, ग्रेटर है, नहीं हो पाएगा. वैसे ही फोर्थ रो से कंपेयर करूँगा तो 6 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये तो नहीं कर पा रहा. वैसे इसके बाद जो सेकेंड लीस्ट है वो है हमारा 4. अब इसको कंपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर रो को सारी रोज की वैल्यू से, तो 1 जो है वो लीस्ट है 6 से, लेकिन 3 जो है वो ग्रेटर आ गया, तो नहीं हो पा रहा. सेकंड रो से देखते हैं तो 1 जो है वो लीस्ट है 3 से, लेकिन 3 जो है वो ग्रेटर हो गया. वैसे लास्ट रो से कंपेयर करेंगे, 1 जो है वो हमारा लीस्ट है 3 से, लेकिन 3 जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाला भी नहीं कर पा रहा. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो लीस्ट वैल्यू है. अब इस पर्टिकुलर सेल को हम कंपेयर करेंगे, 3 जो है वो लीस्ट है 6 से, लेकिन 1 जो है वो ग्रेटर आ गया -7 से, तो नहीं हो पाएगा डोमिनेंस. 3 जो है वो ग्रेटर हो गया, नहीं हो पाएगा डोमिनेंस. और लास्ट से कंपेयर करते हैं, 3 जो है वो हमारा लीस्ट है 5 से, लेकिन 1 जो है वो ग्रेटर हो गया, तो ये भी हमारा जो है वो डोमिनेंस नहीं कर पा रहा. इसके बाद हम सेकेंड लीस्ट को देखेंगे, जो लास्ट लीस्ट है हमारा एक तरीके से 4. तो इस रो को हम कंपेयर करते हैं बाकी से, तो 5 जो है वो लीस्ट है 6 से, लेकिन -1 जो है वो ग्रेटर हो गया, तो नहीं कर पाएगा डोमिनेंट. वैसे 5 जो है वो ग्रेटर हो गया 1 से, तो ये भी नहीं कर पाएगा. लास्ट कंपेयर करते हैं, 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, ये भी नहीं हो पा रहा. तो देखा आपने कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसका साइज हम रिड्यूस नहीं कर पाए. तो जो हमारा ग्राफिकल मेथड का जो स्टेप्स हैं m into 2 गेम के, हमें टोटल 8 स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है. तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, जहाँ पर हम अपने पे ऑफ मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा के. अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो हमें स्टेप 2 में प्रोसीड करना होता है. अब देखिए स्टेप 2 हमारा क्या कहता है,
हमें लेट करना है वाई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव वन बाय प्लेयर बी एंड वन माइनस वाई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव टू बाय प्लेयर बी। अब देखिए प्लेयर बी जो है, प्लेयर बी के दो ऑल्टरनेटिव्स हैं वन एंड टू, तो वन को सिलेक्ट करने के प्रोबेबिलिटी को हम वाई लेट करेंगे और टू को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को वन माइनस वाई लेट करेंगे। ओके तो ये हमारा स्टेप टू कह रहा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे अपना एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन प्लेयर बी का किसके रिस्पेक्ट में, अपने प्लेयर ए के ऑल्टरनेटिव के रिस्पेक्ट में। आइए डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन हम डिराइव कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड गेन निकालने की कोशिश करेंगे प्लेयर बी की एक ऑल्टरनेटिव के हिसाब से। अब देखिए ए के क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं, वन टू थ्री एंड फोर, तो वन टू थ्री एंड फोर। अब ए के ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से हम यहाँ पर बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो देखिए बी के क्या क्या एक्सपेक्टेड फंक्शन है, तो वन में क्या है, सिक्स और सेवन, माइनस सेवन है, तो अब सिक्स को पहले वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस सेवन को वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में दोनों को ऐड करेंगे। ओके तो क्या हो जाएगा ये, सिक्स वाई माइनस सेवन वन माइनस वाई, तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका सिक्स वाई माइनस सेवन प्लस सेवन वाई, और इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्स वाई प्लस सेवन वाई थर्टीन वाई एंड माइनस सेवन। उसी तरीके से सेकेंड ऑल्टरनेटिव में देखेंगे तो बी के दो स्ट्रेटेजी हैं वन एंड थ्री, तो वन को वाई से मल्टीप्लाई प्लस थ्री को माइनस वन माइनस वाई से, तो वन इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस थ्री को वन माइनस वाई से करेंगे तो थ्री इंटू वन माइनस वाई, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं यहाँ पर वन प्लस थ्री माइनस थ्री वाई। अब क्या हो जाएगा ये, वन माइनस थ्री वाई कितना होता है, माइनस टू वाई एंड प्लस थ्री। उसी तरीके से थर्ड ऑल्टरनेटिव थ्री एंड वन है, तो थ्री वाई प्लस वन माइनस वन वाई, तो थ्री इंटू वाई थ्री वाई प्लस वन इंटू वन माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से वन माइनस वाई ही हो जाएगा। ओके और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो थ्री वाई माइनस वाई आपका टू वाई एंड प्लस वन। उसी तरीके से लास्ट अगर आप देखें फोर्थ ऑल्टरनेटिव, इसमें दो हैं आपकी स्ट्रेटेजी प्लेयर बी की, फाइव और माइनस वन, तो फाइव को वाई से मल्टीप्लाई एंड माइनस वन को वन माइनस वाई से और आपस में ऐड, तो फाइव वाई माइनस वन इंटू वन माइनस वाई, तो ये आपका हो जाएगा फाइव वाई माइनस वन प्लस वाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा सिक्स वाई माइनस वन। ओके तो इस तरीके से आपने बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन निकाल दिया। अब आपको क्या करना होता है स्टेप थ्री में, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन। यहाँ पर आपको बी का एक्सपेक्टेड गेन फाइंड आउट करना है, एक बार वाई इक्वल टू जीरो रखे और एक बार वाई इक्वल टू वन रखे। तो एक बार हम y इक्वल टू जीरो रखेंगे और एक बार y इक्वल टू वन रखेंगे, इन इक्वेशंस में वैल्यू रखेंगे। अब देखिए जब इस इक्वेशन में y इक्वल टू जीरो होगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, माइनस सेवन। वैसे इस इक्वेशन में y इक्वल टू जीरो होगा तो वैल्यू हमारी थ्री आएगी, इस इक्वेशन में y जीरो होगा तो वैल्यू वन आएगी, और इस इक्वेशन में y जीरो होगा तो आंसर हमारा माइनस वन आएगा। उसी तरीके से इन सारी इक्वेशन में हम वाई को वन रख के देखेंगे आंसर क्या आएगा, तो वाई को जब इस इक्वेशन में वन रखेंगे तो आंसर हमारा सिक्स आएगा, वैसे इस इक्वेशन में रख के हमारा वन आएगा, इस इक्वेशन में वन वैल्यू रख के हमारा थ्री आंसर आएगा, और लास्ट इक्वेशन में वन वैल्यू रख के हमारा फाइव आएगा। ओके तो यहाँ पर हमारे वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना होता है, हमें स्टेप फोर में जाना होता है, प्लॉट द गेन फंक्शन ऑन द ग्राफ बाय अज्यूमिंग द सुटेबल स्केल। अभी जो गेन फंक्शन हमारे पास आ गए हैं, अब इन्हें हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, जहाँ पर हमें वाई को एक्स एक्सिस में लाना है और जो गेन फंक्शन है हमारे इनको वाई एक्सिस में नोट करना है। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा ये ग्राफ में, तो स्टूडेंट इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होगा, जहाँ पर मैं वाई को एक्स एक्सिस में नोट किया है और जो हमारे जो गेन है, जो वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन है, उसको मैंने वाई एक्सिस में नोट किया है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा और ऑल्टरनेटिव्स की वैल्यू को लिखूंगा। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वाई इक्वल टू जीरो पे जब आपका माइनस सेवन है तो वन, वाई इक्वल टू वन पे आपका सिक्स है, तो वाई इक्वल टू जीरो पे आप माइनस सेवन को सिलेक्ट करेंगे और y इक्वल टू वन पे आप सिक्स को सिलेक्ट करेंगे और आपस में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए जो फर्स्ट हमने ज्वाइन किया ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था, तो इसका हम नाम रख देंगे ए वन। ओके ए का फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, वैसे ए का जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव है वो है y इक्वल टू जीरो पे थ्री एंड y इक्वल टू वन पे वन, तो y इक्वल टू जीरो पे हमारा पॉजिटिव थ्री है और y इक्वल टू वन पे हमारा पॉजिटिव वन है। अब इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद हमारा जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है ए का, वो है y इक्वल टू जीरो पे वन एंड y इक्वल टू वन पे थ्री। अब देखिए ये जो इससे पहले हमने किया था ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव था, तो इसका नाम भी हम नोट कर लेते हैं साथ साथ ए टू। वैसे अब जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है वो वन और थ्री है, तो y इक्वल टू जीरो पे वन है, तो y इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर वन है पॉजिटिव और y इक्वल टू वन पे आपका पॉजिटिव थ्री है। ओके और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है और इसका नाम है ऑल्टरनेटिव थ्री, ए थ्री। ओके, वैसे ही अब ए का जो फोर्थ ऑल्टरनेटिव है वो वाई इक्वल टू जीरो पे माइनस वन पर है, ओके, और वाई इक्वल टू वन पे फाइव पर है, पॉजिटिव फाइव। ओके, तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा ए का ऑल्टरनेटिव फोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपने ग्राफ में प्लॉट कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने स्टेप फाइव में आएंगे। तो स्टेप फाइव हमारा कहता है कि फाइंड द लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इन द अपर बाउंड्री ऑफ द ग्राफ, मैक्सिमम पॉइंट। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है वो मिनीमैक्स, सॉरी मिनीमैक्स पॉइंट। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा मिनीमैक्स गेम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है वो अपर बाउंड्री पर करना है। तो अपर बाउंड्री में अगर मैं देखूँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये अपर बाउंड्री है। ओके, लोअर बाउंड्री होती तो हम नीचे साइड देखते हैं, अपर बाउंड्री कह रहा है तो ऊपर साइड देखेंगे। तो हमारे पास फोर इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम इनके नाम नोट कर सकते हैं। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इस वाले को डी। ओके, तो इस तरीके से फोर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। अब इसमें से हमें लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करना है और उसको मिनीमैक्स पॉइंट नाम देना है। अब इसमें से लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिनीमैक्स पॉइंट। ओके, और इसके ऊपर का जो एरिया है उसको हम शेड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, मिनीमैक्स पॉइंट के एरिया को शेड करने के बाद आपको अब अपने स्टेप सिक्स में जाना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इफ़ द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मिनीमैक्स पॉइंट इज ओनली टू, अगर मिनीमैक्स पॉइंट से आपकी जो लाइन पास हो रही है वो खाली टू है, ओके, तो आपको क्या करना है, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ओके, और उसके बाद आपको स्टेप एट में जाना है। तो स्टेप एट आपका कहता है कि टू इंटू टू गेम आपने फॉर्म कर लिया और उसके बाद आप ऑगमेंट्स और स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्टेप सेवन में जाना पड़ेगा। अब हम चेक कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारा मिनीमैक्स पॉइंट था, तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो रही है, तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइन वन टू थ्री, थ्री पास हो रही है, तो हम डायरेक्ट स्टेप एट में नहीं जा पाएंगे, तो हमें स्टेप सेवन में आना पड़ेगा। तो स्टेप सेवन हमारा कहता है कि आइडेंटिफाई एनी टू लाइन्स, हमें इनमें से दो लाइन को ही आइडेंटिफाई करना है विद अपोजिट स्लोप्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और ऐसी दो लाइन को आइडेंटिफाई करना है जिसके क्या हो, अपोजिट स्लोप्स हो। ओके, एंड उसके हिसाब से फिर आपको टू बाई टू का पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी तीन लाइन पास हो रही है, एक हमारी ए टू, एक ए थ्री और एक फोर, तो इसमें से हमें दो लाइन सेलेक्ट करनी है जो कि अपोजिट स्लोप बनाएंगे। तो इसमें दो लाइन कौन सी है जो अपोजिट स्लोप बना रही है, तो वो है हमारी ए टू और ए फोर। तो ए फोर लाइन यहाँ पर है और ए टू लाइन ये है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट स्लोप्स बना रही हैं, तो हम दो लाइन्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो हमने प्लेयर जो ए है उसके दो ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया है, एक हमारा टू और एक हमारा फोर। तो यहाँ पर जब हम नया अपना पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे टू बाई टू का, तो प्लेयर ए के हम दो ऑल्टरनेटिव्स को लेंगे, टू एंड फोर। बी की तो सेम ही है, टू ऑल्टरनेटिव। अब देखिए स्टूडेंट, ग्राफ की मदद से हमें पता चल गया कि प्लेयर ए के हमें कौन से दो ऑल्टरनेटिव्स लेने हैं, तो हमें दो स्ट्रेटेजीज उसकी लेनी है, एक तो टू और एक फोर। ओके, और प्लेयर बी की तो वैसे ही एज इट इज टू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने स्टेप एट को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप एट है कि सॉल्व द टू इंटू टू गेम, ये जो हमारा टू इंटू टू गेम अभी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, यूजिंग ऑगमेंट्स एंड फाइंड करेंगे फिर वैल्यू ऑफ स्ट्रेटेजीज दोनों प्लेयर की और वैल्यू ऑफ गेम को भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो आइए ऑगमेंट्स इसका फाइंड आउट करते हैं। तो ऑगमेंट्स किस तरीके से निकलते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। देखिए जब आप रो वाइज की बात करेंगे तो यहाँ का जब हम ऑगमेंट निकालेंगे तो उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, वैसे यहाँ का ऑगमेंट निकाल के आंसर यहाँ लिखेंगे। तो थ्री माइनस हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑगमेंट थ्री माइनस वन, तो ये होता है हमारा टू, वैसे ही फाइव माइनस माइनस वन, ये हमारा होता है सिक्स। उसी तरीके से इस कॉलम का ऑगमेंट हम यहाँ लिखेंगे और इस कॉलम का ऑगमेंट यहाँ पर लिखेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू फाइव माइनस वन, ये हमारा फोर, एंड थ्री माइनस माइनस वन इज फोर। ओके, तो इस तरीके से हमने ऑगमेंट फाइंड आउट कर लिए। अब इसी की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पेयर ए की सेकेंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए सिक्स ऑगमेंट की वैल्यू सिक्स थी, अपॉन में दोनों ऑगमेंट का सम सिक्स अपॉन में सिक्स प्लस टू, तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स बाय एट, इसको हम फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, थ्री बाय फोर। ओके, उसी तरीके से सेकेंड यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर टू वैल्यू है और अपॉन में सिक्स प्लस टू, तो हो जाएगा टू बाय एट, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वन बाय फोर। तो हमने प्लेयर ए के दोनों स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करने की प्रायोरिटी निकाल ली है। उसी तरीके से हम प्लेयर बी का भी निकाल लेंगे। तो प्लेयर बी का जो है फर्स्ट को, तो फोर अपॉन में फोर प्लस फोर, तो फोर अपॉन में फोर प्लस फोर होता है हमारा फोर अपॉन में एट, और इसको सॉल्व करूंगा तो वन बाय टू आएगा। उसी तरीके से दूसरा भी हमारा यही है, फोर अपॉन में फोर प्लस फोर, तो इसको सॉल्व करके वही सेम वन बाय टू आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ओके ओके, अब यहाँ पर
आपका वैल्यू ऑफ गेम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम किस तरीके से फाइंड आउट होता है, उसका हमारा फॉर्मूला होता है, अब देखिए, 1 × 6 प्लस 5 × 2 अपॉन में 6 + 2। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो 1 × 6 प्लस 5 × 2 अपॉन में 6 + 2। ओके, तो आंसर क्या आएगा, देखिए 1 × 6 6 होता है, एंड 5 × 2 10, तो 10 + 6 16, एंड 16/8। ओके, तो 16/8 तो आंसर आया आपका 2। तो वैल्यू ऑफ गेम भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि क्या है, 2 है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो कर ली है। अब इसको हम लिख लेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटेजीज आई हैं हमारे प्लेयर ए की, वो क्या क्या है स्ट्रेटेजी। तो आप देखिए, प्लेयर ए जो है, प्लेयर ए के पास अपने 4 स्ट्रेटेजीज थी, जिसमें से उसने सेकेंड और फोर्थ को सिलेक्ट किया, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3/4 एंड 1/4। उसने फर्स्ट और थर्ड को सिलेक्ट नहीं किया है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, सेकेंड को कराया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, थर्ड को नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, एंड फोर्थ को किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। इसी तरीके से मैं प्लेयर बी की बात करता हूँ, तो प्लेयर बी के पास तो 2 ही स्ट्रेटेजीज थी, तो दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है, तो फर्स्ट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड सेकेंड को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है हमारी, 1/2, और लास्ट में जो वैल्यू ऑफ गेम हमने फाइंड किया वो है 2। तो इस तरीके से हमने अपने इस पूरे क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड की मदद से सॉल्व किया है, जो कि हमारा m × 2 गेम का क्वेश्चन था, जहाँ पर m रोज और 2 कॉलम होती है। आइए एक बार मैं फिर से आपको समराइज करके बता देता हूँ हमने क्या क्या इस क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले हमारे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन थी, इस पे ऑफ मैट्रिक्स का हमने सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो हमें सैडल पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल पाया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिनीमैक्स वैल्यू के बराबर नहीं आई। उसके बाद इसी पे ऑफ मैट्रिक्स में हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ताकि इस पे ऑफ मैट्रिक्स के साइज को हम रिड्यूस कर पाएँ। तो याद रखना, जिसमें भी n नंबर ऑफ कॉलम होती है, मतलब ज़्यादा कॉलम्स होती हैं, वहाँ पर ही आपको डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगानी है। तो जैसे यहाँ पर रो में होती हैं, तो आपको रो में डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो रो में डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने के बावजूद भी हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसका हम साइज रिड्यूस नहीं कर पाए। उसके बाद हम अपने स्टेप 2 में गए थे, जहाँ पर हमने जो प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज थी दोनों, उसको पहली स्ट्रेटेजी को वाई प्रोबेबिलिटी से डिनोट किया, और दूसरी स्ट्रेटेजी को 1 - y प्रोबेबिलिटी से डिनोट किया। और उसी के बाद हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर बी को फाइंड आउट किया, जिसकी मदद से हमने पॉइंट्स को प्लॉट करा अपने ग्राफ में। ओके, तो ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है अपर बाउंड्री में, ग्राफ के अपर बाउंड्री में जो लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमें सिलेक्ट करना होता है, और मिनीमैक्स पॉइंट का नाम देना होता है। तो हमने देखा कि हमारे जो लोअर बाउंड्री है उसके अपर में जो लोअर बाउंड्री है उसमें क्या क्या इंटरसेक्शन पॉइंट थे, तो एक ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, तो ABCD 4 पॉइंट्स थे। तो उसमें जो लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट था वो ये था, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर इसके बाद हमें देखना होता है कि जहाँ पर आपका मिनीमैक्स पॉइंट आया है, क्या वहाँ से 2 ही लाइन गुजर रही हैं। तो हमने देखा नहीं, यहाँ से तो 3 लाइन गुजर रही हैं। तो हमें क्या करना होता है, खाली 2 लाइन को ही आइडेंटिफाई करना होता है, और इस तरीके से हमें उनको चुनना होता है जो कि आपस में अपोजिट स्लोप्स बना रही हों। तो अपोजिट स्लोप्स वाली हमें A4 और A2 मिली, तो हमने A4 और A2 की मदद से हमें पता चल गया कि प्लेयर ए की हमें 2 स्ट्रेटेजी लेनी है, जो कि सेकेंड एंड फोर्थ है। तो इसके हिसाब से हमारा ये पे ऑफ मैट्रिक्स बना था, और पे ऑफ मैट्रिक्स को फिर हमने सॉल्व किया, ऑटमेंट फाइंड आउट किए, उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, फिर वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट किया, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आप जब एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन आप बना रहे होते हैं, जब आप एक्सपेक्टेड गेन निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक रीचेक का भी तरीका होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि y = 0 में आपकी वैल्यूज क्या क्या आई थी, -7, 3, 1 एंड -1। अगर आप देखें प्लेयर बी की जो सेकंड स्ट्रेटेजी है, उसकी नंबर्स भी बिल्कुल सेम है, -7, 3, 1 एंड -1। उसी तरीके से जब आप y = 1 में आप देख रहे थे, जो आपके वैल्यूज आई थी 6, 1, 3, 5, तो प्लेयर बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी की भी यही वैल्यूज हैं, 6, 1, 3, 5। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो आपके आपने एक्सपेक्टेड गेन कैलकुलेट किया है, क्या वो सही है या गलत है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो गया होगा, कि किस तरीके से हम गेम थ्योरी में जो ग्राफिक मेथड है उसमें m × 2 गेम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।